सारे गा पधा प पधा पधर सानी दे पानी रे वा पधा पधर निधा गारे गा सारे निसा ऐसी लागी लगन वहीं से पढ़ लिया मैंने है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी महलों में पली बन के जुगन चली महलों में पली बन के जुगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली
गली हरी गुनगाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई वतन वो तो गली 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 हरी गुनगाने लगी मैं घूमे कली बन के जुगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी मैं घूमे पली बन के जुगन चली मीरा रानी दीवानी गाने लगे ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लगी लगन मीरा हो गए मगन। पानी सारे मेरा बाधा मारे रे पमा गरे गानी सा फरमाइश है चदरिया झीली रे झीली कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए स्वाभाविक है कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है और वो जैसे रोने लगता है सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और कि महान संदेश दे दिया कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी
नीली चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस धीनी चदरिया जीनी रे जीनी शरीर रूपी चादर है कैसे बनी है चादर अष्ट कमल का चरखा बनाया अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी नौ दस मास बुनन को लागे हो नौ दस मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी चदरिया रे रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीने रे जीनी जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी अर्थात शरीर ने जन्म लिया रंगरेज है गुरु गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए चादर को भेजा गया जब मुरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रे ले ऐसा रंग रंगा रंग रे ले के लालो लाल कर दीनी चदरिया रे रे धीनी के राम नाम रस दीनी चदरिया रे रे धीनी इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने चेतावनी दी चादर ओढ़ शंका मत करियो चादर ओढ़ शंका मत करियो ये दो दिन तुमको दीनी चदरिया ये दो दिन तुमको दीनी मूरख लोग भेद नहीं जाने मूरख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली दीनी चदरिया रे रे जीनी के राम नाम रस पीनी चदरिया जीनी रे जीनी 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 राम नाम रस पीनी चदरिया जीनी रे जीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव ने निर्मल की दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया
तेरे जीवी। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो यही तेरो काम रे, ओ राम जपो राम जपो यही तेरो काम रे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो यही तेरो काम रे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी, कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो, भजन में क्या वास्तविकता है क्या सच्चाई है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है, इतना ही नहीं मां ने देख भी लिया। अब मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खायो, तो बस कन्हैया ने सोच लिया अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तक दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता है इस भजन में।
सबसे पहला तर्क दिया। बोले मां, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है? मेरे पास समय ही कहां है जो मैं माखन खाऊं। और बोले, मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो, रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार। अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है, शायद आपको लगे कि ये भोर है और ये सांझ है। भोर भायो भोर भायो तूने मधुबन मोही पठा। भोर भायो भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। समय बदला, स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे मैं घर आयो, रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो। रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं? और ये कहां तुम टांग के रखती हो? और बोले, मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया, क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया। कहने लगे, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं,
मुख लपटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि मां की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए स्वर लय भाव शब्द इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं। अरे हाँ मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया। ओ मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली। इनके कहे पति आयो री मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, मां कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। और बोले, मैया मोरी कुछ भेद उपज हैं, जिया तेरे कुछ भेद उपज हैं, तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हसी जसोदा, सूरदास तब हसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो, ले उर कंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो, कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो।
आयो ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं, दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया है। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया है। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया कह रहे हैं ओ मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोछे और मुस्कुरा के बोले ओ सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, रे माखन खायो 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 रे माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। भगवान राम की अभी वो अवस्था है, वो आयु है कि चलना सीख रहे हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं, लड़खड़ाकर गिर जाते हैं फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाया जा सकता है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत, हाँ चलत ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र।
किल किलात उठत धाय किल किलात उठत धाय गिरत भूमि लट पटाए किल किलात उठत धाय गिरत भूमि लट पटाए धाय माए गोद लेत धाय माए गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र विद्रुम से अरुण अधर विद्रुम से अरुण अधर बोलत मृदु वचन मधुर विद्रुम से अरुण अधर बोलत मृदु वचन मधुर सुंदर नासिका बीच सुंदर नासिका बीच लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पजनिया ठुमक चलत रामचंद्र मेवा मोदक रसाल मन भावे सोले हो लाल मन भावे सोले हो लाल मेवा मोदक रसाल मन भावे सोले हो लाल और ले हो रुचिर पान और ले हो रुचिर पान कंचन झुन झुनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद अति आनंद अति आनंद अति आनंद अति आनंद तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद निरख के मुखार बिंद तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के मुख की तुलना किसी वस्तु से करना चाहते हैं। अन्य कोई कवि होता तो कह देता भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर्य है किसी भी तेज वस्तु या सुंदर वस्तु से तुलना कर देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही जिससे वो भगवान राम के मुख की तुलना करें। बहुत सोचा, अंत में हार कर यही कह दिया कि भगवान राम के मुख जैसा केवल भगवान राम का ही मुख है और कुछ नहीं। तुलसीदास अति आनंद
तुलसीदास अति आनंद। तुलसीदास अति आनंद निरखि के मुखार बिंद रघुवर की छवि समान रघुवर की छवि समान रघुवर मुख बनिया ठुमक चलत राम चंद्र ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चंद्र ठुमक 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 चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया रे 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 बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चंद्र ठुमक 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 चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चलत राम चलत राम। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया 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 शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया 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 रंग दे के रंग ना ही छूटे ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे ऐ
रहे ये सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, वो शाम पिया पपुरी के रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, ओ शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर ना जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर ना जाऊंगी, पद भग भगर गजर निज धनी भग बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, वो शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। एक प्रश्न और उसका उत्तर यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी 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 भारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। प्रश्न है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी,
उत्तर है जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है और कलंक का जल से कारी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधार नागर, प्रभु चरणन में हरि चरणन में श्याम चरणन में लागी नजरिया श्याम पिया मोरी। रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, भक्त कवियों के कुछ बड़े सुंदर दोहे, उन्हीं दोहों का संग्रह है और एक भजन का स्वरूप दिया। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो, मैं रूंधूंगी तो, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग पति, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जा, लोहा भस्म हो जा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, कबीर ने इशारा किया है संसार रूपी चक्की की ओर। इस चक्की के भी दो पार्ट हैं, धरती और आकाश।
चलती रहती है चक्की, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, हाड़ जले जू लाकड़ी, केश जले जू घास, सब जग जलता देख के भय कबीर उदास हो, भय कबीर उदास। कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोई, कबीरा जी कहते हैं सड़क के किनारे जो गंदे पानी की नालियां होती उसका पानी कोई नहीं पीता। कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोई, जाए मिले वो जब गंग से तो गंगो तक हुए, जाए मिले जब गंग से तो गंगो तक हुए, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप हो, ताके हृदय प्रभु आप। रही मन बड़न को देख के, रही मन बड़न को देख के लघु नदी जे डार, रहीम कहते हैं किसी बड़े आदमी से दोस्ती हो जाए तो अपने गरीब मित्र को भूलिए नहीं। रही मन बड़न को देख लघु नदी जे डार, जहां काम आए सुई क्या करे तलवार हो, जहां काम आए सुई क्या करे तलवार। रही मन आगा प्रेम का, प्रेम कहते हैं प्रेम एक कच्चे धागे जैसा होता है, बड़ा संभाल के रखना पड़ता है इसे। रही मन धागा प्रेम का ना तोड़ो किचकाए, टूटे से फिर ये ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए हो, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रहीम के बारे में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। रहीम पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, बादशाह अकबर के दरबार के नौ रत्नों में से एक रत्न थे, कृष्ण भक्त थे,
भक्त कवि थे और बड़े महान दानी थे। बहुत से दाने हुए लेकिन रहीम की कुछ भांति अलग थी। दान करने के लिए जैसे जैसे हाथ उठाते थे आंखें झुका लेते थे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये कैसा दान है, दान करने में इनको शर्म आती। ये बात फैलते फैलते तुलसीदास जी तक पहुंच गई। उन्होंने दो पंक्तियां लिखकर रहीम के पास भेजी, उसमें लिखा, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन हो, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम ने पढ़ा, समझ गए कि गोस्वामी जी तो सब जानते, शायद मुझसे कहलाना चाहता, तो दो पंक्तियां उन्होंने भी नीचे लिख दी कि आपने पूछा है, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सहन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे में। तो निवेदन किया, देनहार कोई और है हो, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहन, लोग भरम हम पर करें तासु नीचे नैन हो, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, नारायण 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 कहिए, नारायण 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 कहिए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश।
रामचरण सुखदाई रामचरण सुखदाई भज मन रामचरण सुखदाई भज मन राम चरण 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 सुखदाई। इस भजन में भगवान श्री राम के चरणों की महिमा गाई है। जय चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जय चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम परो है जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन तारन आई भज मन राम चरण सुखदाई जेहि चरणन की चरण पादुका भरत रहो लिबलाई जेहि चरणन की चरण पादुका भरत रहो लिबलाई सोई चरण केवट धोईली ने सोई चरण केवट धोईली ने तब हरी नाभ चढ़ाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई सोई चरण केवट धोईली ने। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम जानकी जी और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसे मालूम था प्रभु आ रहे हैं, आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया। प्रभु ने कहा, केवट हम लोगों को उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु आपका सेवक हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। प्रभु ने कहा, क्या शर्त है? केवट बोला, प्रभु पहले अनुमति दें मैं आपके चरण पखार लूं। मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए तो पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक ही नाव है बस,
और वो भी मेरी जीविका का सहारा है। इसको कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, समझ गए केवट क्या चाहता है। अनुमति दी, केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। उतार दिया उस पार। प्रभु ने सोचा केवट का तो यही काम है, यही व्यवसाय है, इसको मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन बनवासी राम देते क्या, कुछ था ही नहीं। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने कहा ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी मजदूरी है। केवट ने कहा प्रभु एक विशेष कारण है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। प्रभु ने कहा क्या कारण है। केवट बोला प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है, और बोला नाई से ना नाई लेत, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु ने कहा यह तो ठीक है, नाई और धोबी का मामला है, मेरा तुम्हारा व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है, एक ही व्यवसाय है। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। प्रभु एक ही व्यवसाय है, एक ही काम है, मैं भी नाविक हूं, आप भी नाविक हैं, थोड़ा सा फर्क है, मैं एक छोटी सी नदी का मल्ला हूं और आप इस भवसागर के मल्ला हैं। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। राम चरण सुखदाई भज मन, 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 राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुख राय। श्री राम चंद्र
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम। अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ुति रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम। दीन बंधु दिनेश दानव दनल दुष्ट निकंदनम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दनल दुष्ट निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानी भुज सर चाप धर संग्राम जिति खर दूषणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम। वदति तुलसीदास शंकर
शेष मुनि मन रंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव धर दारुणम दारुणम गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंद चली श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम श्री रामचंद्र कृपाल